आजमगढ़ लोकसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त रसाकसी है और 2024 के लोकसभा चुनाव में इस समय देखिए हमारे पीछे ठीक सांसद महोदय का कार्यक्रम है। जनता सेल्फी लेना चाह रही है, एक बार कहूँगा कैमरा पर्सन से जरा आप दिखा दीजिए कि एक बार किस तरह लोग सेल्फी ले रहे हैं। माहौल पूरा भरा हुआ है, ये पूरा हाल खर्चाखर्च भरा हुआ था, माहौल बिल्कुल बन चुका है चुनाव का और रणभेरी बच चुकी है। 2024 का लोकसभा चुनाव है और सांसद महोदय से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, हालांकि मीडिया को अभी उन्होंने बाइट दी है, तमाम मीडिया साथी यहाँ मौजूद थे, लेकिन हम चाहते हैं सांसद जी से एक दो सवाल है जो पूछें इस बार। सांसद जी एक सवाल, हमारे साथ सांसद जी मौजूद हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, और जबरदस्त भीड़ है और चुनाव का माहौल बन चुका है। सांसद जी इस बार कितनी मार्जिन बड़ी होने जा रही है? देखिए जनता जो है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित है, हमारे प्रधानमंत्री जी से प्रभावित है, और एक मौका जब यहाँ की जनता ने दिया था तो 1.5 साल में इतना काम यहाँ हुआ है कि इस बार निश्चित रूप से बड़ी जीत होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। जबरदस्त क्राउड दिख रहा है, पूरा माहौल आपने बना दिया आजमगढ़ में इस बार, और आपके काम को लेकर जनता बहुत उत्साहित है, तमाम रोडें आपने बनाई है, लेकिन जनता ये भी कह रही है कि मार्जिन इस बार बड़ी होने जा रही है। निश्चित रूप से बड़ी होगी क्योंकि सभी लोग अब हम लोगों के साथ हैं और सब लोग चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, और इसलिए सभी लोग प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और आजमगढ़ में बड़ी भारी मात्रा में जो है वो कमल खिलने वाला है, और एक बार फिर से जैसे मुझे लगता है अभी तो मैंने खाली नींव रखी है, लगातार विकास कर रहा है, पहले वहाँ मास्टर प्लान होना चाहिए, आजमगढ़ का मास्टर प्लान नहीं है। तो बढ़िया है, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे भैया, अच्छा बढ़िया, प्रधानमंत्री अच्छा 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 ये आप देख रहे हैं, पूरा कैमरा पर्सन को फिर दिखाइए, जबरदस्त माहौल है, पूरा जनता यहाँ पे भी है और ये माहौल देखिए लोग ले रहे हैं, अपने काम को लेकर लोग आ रहे हैं, और ये सांसद महोदय से भी नीचे आजमगढ़ ने देख लिया है, आजमगढ़ बातचीत हो रही थी और अंदर हालांकि मीडिया को हमको रोक दिया गया है, नहीं जाने दिया गया, हालांकि सांसद जी जरूर बुला रहे थे अंदर, लेकिन माहौल है चुनाव का, उन सब बातों को कंट्रोल करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे और हमारी कवरेज आप देखते रहेंगे।